ये बात समझ आ रही है। चलें एक काम करते हैं, हम ना नोट पैड निकाल दें। सही है, अब हम कहते हैं फर्स्ट करें ऑर्डर नंबर 1। ठीक है, अब ऑर्डर नंबर 1 में प्रोडक्ट 1 जो है हो रही है, ऑर्डर 1 जो है मेरे पास टू, मैंने टू दो इसके यूनिट्स खरीदे। ठीक है, और प्रोडक्ट 2 जो है इसका मैंने 1 यूनिट खरीदा। इसका मतलब है फ़र्ज़ करें हमारी किस चीज़ की ई कॉमर्स स्टोर है, फ़र्ज़ करें हमारी कपड़ों की ई कॉमर्स स्टोर है। अब कपड़ों में मेरे पास एक शर्ट है, सही है, मैंने शर्ट एक तरह की शर्ट मैंने कितनी खरीदी, दो। सही है, एक मेरे पास पैंट है तो मैंने पैंट की एक ही खरीद ली। सही है, अब प्रॉब्लम क्या होगा, क्योंकि हमारे पास ये एक ही प्रोडक्ट है तो इसकी एक तो सेल प्राइस होगी SP। सही है, अब जो मेरी जो SP है सेल प्राइस वो है फर्ज करो 500 रुपये। ठीक है, और इसकी जो कॉस्ट प्राइस है CP वो है इसकी 250 रुपये। हमने 500 की बेच दी, जो कि नॉर्मल एक ई कॉमर्स स्टोर का फॉर्मूला होता है मल्टीप्लाई बाय 2 का। और पैंट जो है मुझे पड़ी थी 1000 रुपये की, 1000 की नहीं, इतनी महंगी नहीं होती, 500, और मैंने बेच दी 1500 की। ठीक है, कुछ कुछ आपके जो प्रोडक्ट्स होते हैं वो हाई प्रॉफिट प्रोडक्ट्स होते हैं और कुछ होते हैं लो प्रॉफिट लेकिन क्वांटिटी, एक ट्रेड ऑफ होता है। जो प्रोडक्ट ज़्यादा चलता है वो हमेशा उस पर मार्जिन कम रखा जाता है क्योंकि वो ज़्यादा चल रहा है। सही है, क्योंकि प्रोडक्ट यानी कि वो प्रोडक्ट पब्लिक ज़्यादा खरीदती है तो उसका नॉर्मली प्राइस क्या होती है, कम होती है। और कुछ प्रोडक्ट पब्लिक कम खरीदती है तो उसकी कॉस्ट लाजमी हमेशा क्या होती है, ज़्यादा होती है। तो कहीं पे आप ज़्यादा एक कस्टमर को ज़्यादा काटते हो, कहीं पे थोड़ा कम काटते हो। जो कम खरीदा जाता है उसकी अगर आपकी प्राइस कम होगी ना तो आपका प्रॉफिट मार्जिन इतना नहीं बचेगा ना। अब फ़र्ज़ करो एक मेरे पास बंदा आता है, वो शर्टें 4 भी खरीद लेगा लेकिन वो पैंट कभी भी 4 नहीं खरीदेगा, वो हमेशा पैंट 1 या 2 खरीदेगा, शर्टें 4 खरीद लेगा। तो इस वजह से शर्ट को सस्ता होना चाहिए ताकि पब्लिक उसको ज़्यादा से ज़्यादा खरीदने की कोशिश करे, क्योंकि मुझे पता है कि वो एक क्वांटिटी आइटम है और लोग ज़्यादा खरीदेंगे भी, लॉजिकल है। तो उस पर मैंने अपना प्रॉफिट कम रखा। सही है, और इस पर मुझे पता है कि भले मेरा एक पीस निकल जाए तो मुझे ये 3 शर्ट 4 शर्टों के बराबर मुझे प्रॉफिट बना के दे जाएगा। तो वो 4 शर्टें खरीदे तो मुझे सेम प्रॉफिट, लेकिन एक पैंट खरीद दे तो सेम प्रॉफिट। ये थोड़ा सा एक बिजनेस आपको समझ आएगा थोड़े जब आप कुछ अपना काम करेंगे, तो ये ऐसा ही होता है। तो ये मेरा एक ऑर्डर है। अब फर्ज करो ऐसे 10 ऑर्डर्स मुझे दिन में आए थे, लेकिन इस एक ऑर्डर की अगर हम कैलकुलेशन करें रेवेन्यू की, तो अगर हम रेवेन्यू उसका कैलकुलेट करेंगे सिर्फ एक ऑर्डर का, तो हमारे पास इसने SP, सबसे पहले रेवेन्यू के लिए मुझे क्या निकालना चाहिए, सेलिंग प्राइस। तो सेलिंग प्राइस इसकी क्या है, 500, लेकिन ये 500 किससे मल्टीप्लाई होगा, 2 से, क्योंकि इसने कितने यूनिट्स खरीदे, 2 खरीदे। ये प्लस होगा किस में, प्रोडक्ट 2 में, यानी कि इसका क्या है, 1500 मल्टीप्लाई बाय 1, क्योंकि उसने एक यूनिट खरीदा। तो इसका टोटल रेवेन्यू मेरे पास कितना आया, 2000 रुपये, थोड़ा सा। क्या हुआ इसका, 1000, 1500, 2500, सही है, 2500 हुआ। ठीक है, उसके बाद अब हम निकाल रहे हैं इसका ग्रॉस प्रॉफिट। अब ग्रॉस प्रॉफिट जो है अब दोबारा से होगा 250 मल्टीप्लाई बाय 2, 500, 500 मल्टीप्लाई बाय 1, 500। तो 500 500 कितना हुआ, 1000। तो 2500 में से माइनस 1000 तो मुझे कितना बचा, 1500। ठीक है, ये तो बहुत साइंस है क्या आजकल, चलो इसको वही बच्चों वाला करते हैं, 250 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 5, ये इसका सेलिंग प्राइस क्या है, CP 500, तो मल्टीप्लाई बाय 1, तो मुझे कितना पड़ा, 1500। सही है, ये 1000 हुआ, और ये टोटल रेवेन्यू से माइनस होगा जो कि क्या है, 2500। तो फाइनली मेरे पास क्या बचेगा, 1500। ये हमारे पास ग्रॉस प्रॉफिट है। अब ग्रॉस प्रॉफिट जो है इसके अंदर बाकी मेरे जो दूसरे खर्चे हैं वो माइनस नहीं हुए। अब ये क्योंकि ई कॉमर्स स्टोर है तो इसके अंदर दुकान का किराया तो नहीं होगा, मुलाजिम का खर्चा तो नहीं होगा, लेकिन ई कॉमर्स स्टोर में एक खर्चा होता है जो सबसे बड़ा होता है, किसी को पता है वो कौन सा है,
मार्केटिंग कॉस्ट, सही है। मार्केटिंग कॉस्ट कितनी होती है? 20% ऑफ द ऑर्डर होती है नॉर्मली, ठीक है। 20% ऑफ द ऑर्डर, 2500 का 20% क्या होगा? 1000 का 200, 200 का 400, 400 और 500 का है 100, 400 यानी कि 500 रुपये, सही है। तो 25% हुआ 500, तो 15 में से 500 गए, कितने बचे? 1000। तो नेट प्रॉफिट मेरे पास क्या आया? 1000। मैंने बेचा सामान कितने का? 2500 का। मेरी जेब में कितने आए? 1000 रुपये आए नेट प्रॉफिट। अब ये मैंने कैलकुलेशन की है सिर्फ एक ऑर्डर के लिए। अब ऐसे ही अगर 10 ऑर्डर्स हैं तो उनकी सारी कैलकुलेशन इसी तरीके से मेरे पास आ जानी चाहिए, ठीक है। अब ये आपका कहलाता है कैश फ्लो। कैश फ्लो में तीन चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं। पहला होता है आपका रेवेन्यू, उसके बाद होता है आपका ग्रॉस प्रॉफिट, तीसरा आपके पास होता है नेट प्रॉफिट, और एक और चीज़ होती है लॉस। लेकिन लॉस अगर आपका नेट प्रॉफिट माइनस में गया तो आप समझ जाएं वो आपका क्या बन जाता है, लॉस। लेकिन आप उसको माइनस 500 नहीं लिखते कभी भी, ये आपका अकाउंटिंग मिस्टेक है। आप उसको लिखेंगे ज़ीरो, नेट प्रॉफिट को लिखेंगे ज़ीरो। अभी आप कंडीशन लगाएंगे, टर्नरी ऑपरेटर तो आप सबको पता है, तो उसको आप माइनस 500 लिखेंगे, नेट प्रॉफिट को क्या शो करेंगे? ज़ीरो। लेकिन एक और आप कॉलम बना देंगे लॉस का, और लॉस में आप क्या शो करेंगे कि मेरा लॉस कितना हुआ? 500। यानी कि माइनस 500 अगर आपका नेट प्रॉफिट है तो मतलब आपने उल्टा पैसा लेने के बजाय आपने अपनी जेब से दे दिया, तो वो बेसिकली आपका क्या काउंट होगा? लॉस। तो ये सिंपल सी एक मैथमेटिक्स है। अब ये जो छोटी मोटी मैथमेटिक्स हैं ये आपको करनी पड़ेंगी, सही। ये तो कुछ भी नहीं है। अभी हमारे पास एक प्रोजेक्ट आया हुआ है, वो उसके अंदर पूरा एक कैश फ्लो का एक डैशबोर्ड है, वो सिर्फ है ही कैश फ्लो का, सही है। तो उसके अंदर वो मुझे पता नहीं क्या क्या उसकी वजह से पढ़ना पड़ा है, सही बता रहा हूँ। एसेट वैल्यू, लायबिलिटी, सही है, पूरी बैलेंस शीट, ये पूरा जो चीज़ें हैं उसने मुझे सारे पढ़ाए हैं। और एसेट अपॉन लायबिलिटी का रेशियो पता नहीं उसको क्या कहता था, मैं भूल गया, अभी उसका ये मसला चल रहा है, वो ज़ीरो आ रहा है। तो ये पूरा अगर कोई कॉमर्स वाला है तो उसको शायद पता होगा कि ये क्या होता है। अब मुझे कुछ नहीं पता, मुझे ज़ीरो पता है। तो मैंने उसको बोला कि भाई मैं इंजीनियर हूँ, मैं कोई अकाउंटेंट नहीं हूँ कि मुझे इसका पता हो। तो उसने मुझे ना वो एक PDF भेज दी जिसके अंदर वो सारे जो रेशोज थे वो मेरे पास गिवन थे, ठीक है। इसके अलावा इंटरेस्ट रेट निकालना, ये सारी चीज़ें भी उसमें शामिल थी। अब कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट, ये सब कुछ था। ये सारे कैलकुलेशंस मुझे खुद करने थे, ठीक है। अब और ये जो आपके इकोनॉमिक इंडिकेटर्स उसने मुझे कुछ बताया है, वो अलग होते हैं। तो इस तरह की तो कैलकुलेशन आप लोगों को आनी चाहिए, बहुत सिंपल है। इवन अगर आप गूगल पे जाके भी लिखेंगे रेवेन्यू फॉर्मूला तो आपको सिंपल ये चीज़ें बता देगा कि भाई रेवेन्यू इज इक्वल्स टू सेल्स मल्टीप्लाई बाय एवरेज प्राइस ऑफ सर्विस और सेल्स प्राइस। वही वाली बात जो मैंने बताई, ये सिंपल वही वाली बता रहा है। अगर आप इसको भी देखें तो वो क्या बता रहा है कि रेवेन्यू का फॉर्मूला क्या है? क्वांटिटी इनटू प्राइस, जो कि बेसिकली एग्जैक्ट काम जो मैंने यहाँ पे किया है कि मैंने क्वांटिटी को मल्टीप्लाई किया प्राइस से, क्वांटिटी को मल्टीप्लाई किया प्राइस से। हाँ, अब ये वाला जो आपका टैब है ना, ये वाला जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, ये प्रोडक्ट्स टैब, एक काम कर लेते हैं वो उसको खोल लेते हैं जो हमने पहले भी खोला था, ई कॉमर्स। नहीं नहीं, ये वो इसमें अभी तक QR वगैरह हम अभी ऐड नहीं कर रहे, हम सिंपल सा हम खुद ऐड करवाएंगे, मतलब हम ऐसा सोचेंगे कि हम खुद अपना ऐड करा रहे हैं। जो प्रोडक्ट पेज होता है वो बेसिकली इसी काम के लिए होता है जो अभी हम देख रहे हैं। हम इस ईका का हमने लाइव प्रीव्यू देखा था लास्ट टाइम, अब मैं थोड़ा सोच रहा हूँ कि आपको चोरी करना सिखाएं या नहीं। अच्छा, थीम फॉरेस्ट जो है नॉर्मली आपको पैसों पे देता है, राइट? सही है। तो अच्छा, इंटरनेट भी पता नहीं क्यों स्लो हो जाता है आपके टाइम पे आ गए। अच्छा, इसका ही क्या होता है, आप ये सर्च करें, जैसे इसका नाम क्या है, ईका डैशबोर्ड ना, आप करें ईका डैशबोर्ड फ्री डाउनलोड, तो क्या होता है कि आपके पास कुछ अल्लाह के भले लोग होते हैं, ठीक है,
इसने हमारे साथ धोखा किया है। आई थिंक ये क्या दे रहा है, इन्वेस्टर पे लेके जा रहा है। नहीं, इस बंदे ने हमारे साथ धोखा किया है। सही है। और ये हमारे पास कुछ लिंक्स आ गए। सॉरी, मैंने कोई मिस किया क्या? HTML, जिपी शेयर। आई थिंक ये फाइल अपलोड नहीं है। नहीं, होता है वर्क अपलोड। देखें, मुफ्त की चीज़ पे ना थोड़ा काम तो करना पड़ता है ना। अब हर चीज़ आपको प्लेट में तो नहीं मिलेगी क्या यार? सिंपल HTML ही आपको मिल जाए, आप उसको कन्वर्ट कर दोगे ना। पेड वर्जन है वो। सही है। तो ये डाउनलोड हो गया है। अरे, 2023 का हो या कल का हो, हमें क्या मसला है। इसको हम कर लेते हैं एक्सट्रैक्ट हियर। कौन से? ये बेसिकली क्या होता है कि ये एक खरीद लेते हैं, ठीक है। गेम क्या होती है, अब ये जो एक वेबसाइट वाला है ना, जिसकी ये वेबसाइट है, ये वाली themeclock.com, ये क्या करेगा, ये एक $14 का खरीद लेगा। लेकिन $14 जब ये पे करेगा तो थीम फॉरेस्ट वालों को इसको फाइलें देनी पड़ेंगी। सही है। अब वो फाइलें जाके वो अपलोड कर देगा कहीं भी, और आपको वो लिंक दे देगा उसकी कॉपी की। हो गया। लेकिन ये खुद कैसे कमाता है, ये बहुत बड़ा अब साइंस है। अब ये थीम, अब मैं इस थीम क्लॉक वेबसाइट पे आया, ठीक है। अब इस थीम क्लॉक वेबसाइट पे उसने क्या लगाया हुआ है, गूगल एडसेंस लगाया हुआ है। तो मैंने उसको ऑलरेडी कमा के दे दिया है। सही है, मेरा काम हो गया। इसी तरीके से हमारी तरह जो और बहुत सारे लोग आ रहे होंगे, वो इसको क्या बना के दे रहे हैं, ट्रैफिक जनरेट करके दे रहे हैं। ट्रैफिक जनरेट हो रहा है, गूगल एडसेंस उसको पे कर रहा है। हर 1000 क्लिक पे आई थिंक $1 मिलता है, ठीक है। और ख़ास तौर पे ये, अब देखो ये ज़्यादा पे करते हैं। अब ये ब्लू होस्ट जो है, होस्टिंग वेबसाइट है। अब इस वेबसाइट पे जो बंदा आ रहा है ना, वो गारंटी प्रोग्रामर है। सही है, क्योंकि टेम्पलेट क्यों डाउनलोड करने आएगा, और कौन, इतना दिमाग किसका चलेगा कि एका के नाम से मैं सर्च करूंगा टेम्पलेट तो मुझे पेड टेम्पलेट फ्री मिल जाएगा। ये वही बंदा यूज़ करेगा जिसका, एक तो वो प्रोग्रामर हो, ऊपर से कोई पहुंची हुई चीज़ हो। सही, जो नॉर्मल प्रोग्रामर है वो भी ऐसी चीज़ें नहीं करता और इतनी मेहनत नहीं करता। वो सीधा क्लाइंट को बोलता है, भाई मुझे टेम्पलेट दोगे तो मैं बना के दूंगा, वरना मेरे पास टाइम नहीं है इतना। सही है। तो इस ऐसे लोगों को ब्लू होस्ट जो है वो खास तौर पे टारगेट करता है। कि क्यों? क्योंकि ये लोग कन्विंसिंग होते हैं, और वो अपने क्लाइंट को बोलेंगे कि ब्लू होस्ट वाले देखो, $3.49 पर मंथ का वेब होस्टिंग दे रहे हैं। अब ये मेरे बाद दिमाग में बाद में ये रजिस्टर हो गई बात। अब मुझे कोई क्लाइंट पूछेगा ना, कोई फ्री, वो कोई सस्ता वाला होस्टिंग पता है तुम्हें, तो मैं बोलूँगा यार विग वेब होस्ट देता है $3.50 का। ये वेबसाइट आप अपनी वहाँ पे रख सकते हैं, जैसे हम नेटलिफाई या फायरबेस के साथ करते हैं। तो अब ये क्या है कि ये मैंने ना इसको ब्लू होस्ट वालों को यही चाहिए, ठीक है। वो अपनी अवेयरनेस बढ़ा रहे हैं, तो इसके लिए ये ज़्यादा पे करते हैं ऐसी वेबसाइट्स वालों को, क्योंकि ये टारगेटेड कम्युनिटी है। अब हज़ारों लाखों लोग हैं, अब जो प्रोग्रामर है अब सिर्फ वही देख रहा है, तो ये उनके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये ज़्यादा पे करेंगे एज़ कम्पेयर टू नॉर्मल वेबसाइट। यार वो एडसेंस आपको ना वो बना के देता है कि आपकी ट्रैफिक अभी इतना नहीं है, इतना है, तो आपको रिपोर्ट जनरेट करके दे देता है। अच्छा, ये हमने एक्सट्रैक्ट कर लिया है। अब इसका फोल्डर पता नहीं कहाँ चला गया। फोल्डर फोल्डर फोल्डर, ये रहा। सही है। तो टेम्पलेट, एका एडमिन। अब एका एडमिन में हमारे पास सारी HTML फाइल्स हैं। अब साइन इन का पेज हम देखें, तो ये इसका साइन इन का पेज। अब ये पूरी इसकी HTML, CSS, फलाना ढिमकाना, ये सब अवेलेबल है। JavaScript, सही है, सब कुछ है। इसके अलावा अब हम लोग ऑर्डर डिटेल पेज पे जाते हैं, तो आपके पास पूरा का पूरा डैशबोर्ड अवेलेबल है। सही है, फ्री डाउनलोड कर लिया। लेकिन ये मेरी वाली हरकत आप कम से कम करें, सिर्फ तब करें जब आप बिल्कुल ही फंस जाएं।
सही है, क्योंकि इस पे अब मैं आपको बता देता हूँ कि भाई कुछ लोगों का तजाद है कि यार ये चोरी है। सही है, वो बोलते हैं कि क्योंकि ये एक वेबसाइट है जो उसको बेच रही है, आपने कहीं और से जाके मुफ्त उठा लिया, तो ये मसला होता है। सही है, अब आप ये आपके ऊपर है कि आप इसको यूज़ करते हैं या नहीं करते, जिम्मेदारी मेरे ऊपर नहीं आएगी, मैं बता रहा हूँ। देख लो नहीं होता, वो पे किया है जिसने, जो शेयर कर रहा है ना वो पे कर रहा है। अच्छा अब ये देखें, नहीं होता, क्योंकि ये एका जो है ना ये एक रजिस्टर्ड ब्रांड नहीं है। और दूसरी वाली बात है कि अब कोडिंग का ना एक रूल है कि अगर आप बिल्कुल सेम कोड यूज़ करेंगे ना और उसको डिप्लॉय कर देंगे तो ये इलीगल है। लेकिन अगर मैंने इसका लोगो चेंज कर दिया, इसका थोड़े से कलर्स चेंज कर दिए, कोड थोड़ा आगे पीछे कर दिया, अब वो कोड चेंज हो गया, अब आप मुझ पर क्लेम नहीं कर सकते कि ये सेम कोड है। मैं बोलूँगा कि भाई मैंने इंस्पिरेशन तुम्हारे कोड से ली थी लेकिन मैंने उसमें चेंजेस किए हैं, ये डिट्टो तुम्हारा कोड नहीं है। अगर ये डिट्टो कोड नहीं है ना तो अब मुझ पर कोई क्लेम नहीं कर सकता। अगर आपको पता हो तो माइक्रोसॉफ्ट ने ये केस जीता था एक दफ़ा। माइक्रोसॉफ्ट का जो कर्नल है, जो बेसिकली मेन कर्नल है जिसके ऊपर पूरी विंडोज़ बनी हुई है, वो बेसिकली लिनक्स का कॉपी था। सही है, शायद आपने कभी इस केस के बारे में पढ़ा हो, यूएस में बहुत पॉपुलर हुआ था ये केस, कि माइक्रोसॉफ्ट पे केस कर दिया था लिनक्स ऑर्गेनाइजेशन ने कि भाई ये ऑर्गेनाइजेशन है, क्योंकि ये हमने फ्री किया हुआ है तो अब आप इसका कमर्शलाइज नहीं कर सकते, क्योंकि विंडोज़ पैसों पर मिलती थी और उसका जो समझ लें बेस था, मेन था, वो लिनक्स था। तो लिनक्स ने बोला अगर आपको इसको कमर्शलाइज करना है यानी कि बेचना है तो आपको पहले हमसे इजाज़त लेनी चाहिए थी, क्योंकि हमने तो लोगों के लिए फ्री किया हुआ है। अब या तो आप अपनी विंडोज़ को फ्री करो या हमें हमारा कर्नल वापस करो। आप हमारा कर्नल यूज़ नहीं कर सकते, आप अपना बना लो, हमारा देख लो लेकिन बना लो। लेकिन उन्होंने चलाकी क्या की थी माइक्रोसॉफ्ट वालों ने, कि लिनक्स का जो ओरिजिनल कोड था लेकर उसका कर्नल का, उसको थोड़ा सा चेंज किया हुआ था, ज़्यादा नहीं थोड़ा सा चेंज किया हुआ था, तो उस वजह से माइक्रोसॉफ्ट वो केस जीत गया था। ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट भी ऐसे ही जीता था और फेसबुक भी, दो भाई थे उनके खिलाफ, दो भाइयों ने केस किया था मार्क जुकरबर्ग पे कि आपने हमारा कोड उठाया फेसबुक का। सही है, उन्होंने क्लेम किया कि हमारी वेबसाइट थी और सेम वही था, तो अब उनकी जो वेबसाइट थी वो भी बहुत मिलती जुलती थी एज़ कम्पेयर टू जो फेसबुक अभी भी है, तो उसका जो मेन कोड था तो, लेकिन मार्क जुकरबर्ग का जो कोड था वो थोड़ा चेंज था, उसमें सिमिलैरिटीज थी लेकिन थोड़ा चेंज था। अब क्योंकि थोड़ा चेंज था तो अब प्रोग्रामिंग का लॉ है कि अगर वो कोड थोड़ा चेंज हो गया ना तो अब वो पर्सनलाइज्ड उसका हो गया, अब आप उस पर क्लेम नहीं कर सकते, क्योंकि उसमें सारी जो लाइब्रेरीज जो दूसरी चीज़ें यूज हुई हैं वो क्या हैं, वो ओपन सोर्स हैं, वो फ्री हैं। अगर उसने थोड़ा बहुत चेंज कर लिया तो अब वो उसका अपना पर्सनलाइज कोड हो गया। तो अगर आप किसी का कोड उठाते भी हैं तो ये सारे फॉन्ट कलर्स थोड़ा इनको आप तब्दील कर दें तो जायज़ हो जाता है। सही है, अब आप देख रहे हैं कि ऐड प्रोडक्ट। सही है, मज़े की बात है, लास्ट टाइम मैं लाइव प्रीव्यू कर रहा था, अब मैं लोकली चला रहा हूँ, अपना कोड है हमारा। सही है, तो अब आप देख रहे हैं कि इन्होंने कितना ज़बरदस्त किस्म का, अच्छा ये इसमें ना ये बहुत गंदा है स्क्रीन, वरना ये बहुत एस्थेटिकली बेहतरीन बना हुआ डैशबोर्ड है। सही है, हो सकता है कि यहाँ पे देखो अब उन्होंने क्या किया हुआ है, ये ऐड प्रोडक्ट का फॉर्म बनाया हुआ है। अब ऐड प्रोडक्ट के फॉर्म के अंदर सारी इन्फॉर्मेशन है जो डेटाबेस के अंदर सेव होगी। अब लेकिन इसके अंदर एक मसला है, ये सिर्फ एक प्राइस सेव करने को कहता है, कौन सी, सिंपल प्राइस, सेलिंग प्राइस। लेकिन हमें सेलिंग प्राइस के साथ एक और क्या चाहिए, कॉस्ट प्राइस, क्योंकि हम अपना एक कस्टम डैशबोर्ड बनाना चाहते हैं जो कि हम कॉस्ट प्राइस बाद में यूज़अप करेंगे। बात समझ रहे हैं आप, यूज़र को नहीं बतानी ना, लेकिन हमें तो चाहिए ना, ये डैशबोर्ड हमारे लिए है, यूज़र के लिए नहीं है। सही है, अब जैसे कि यहाँ पे अगर हमने ये टेबल खोला तो उसमें प्राइस ये सेलिंग प्राइस है, यहाँ भी आना चाहिए था SP सेलिंग प्राइस, इसके बराबर में क्या होनी चाहिए थी, कॉस्ट प्राइस CP। सही है, तो ये सारी चीज़ें जो हैं आपको पता होनी चाहिए। अब देखें इसके अंदर इसने बहुत सारे प्रोडक्ट्स ऑलरेडी अपलोड किए हुए हैं, ये सारा डमी डेटा है, आप यही सारा डमी डेटा उठा के भी इसको यूज़ कर सकते हैं। अब अगर इसको मैं इन्फो को क्लिक करता हूँ तो ये काम नहीं कर रहा है, इसने इसको सही से नहीं बनाया है, लेकिन आपको ये सही बनाना है। अब प्रोडक्ट डिटेल में क्या है,
कि इसने एक प्रोडक्ट खोली है और उसके अंदर सारी इन्फॉर्मेशन है। अच्छा, ये आपको नहीं चाहिए, प्रोडक्ट डिटेल का पेज आपको नहीं चाहिए, क्योंकि प्रोडक्ट डिटेल जो है ये एक यूज़र पेज की तरह है और ये डैशबोर्ड तो सिर्फ हमारे लिए है, तो हमें प्रोडक्ट डिटेल नहीं जाननी। हाँ, लेकिन हमें ये चाहिए कि ये मैं प्रोडक्ट पे अगर इस पर क्लिक करूँ तो आपका पेज खुल जाए जिसको मैं एडिट कर सकूँ। बात समझ आ रही है? तो सिर्फ एडिटिंग का चाहिए, प्रोडक्ट डिटेल डिस्प्ले कराना मेरा कोई किसी काम का नहीं है, मैं क्या करूँगा उसका। उसके बाद ये जो यूज़र्स टैब है, अब ये जो यूज़र्स टैब है, ये यूज़र्स टैब सिर्फ किसको अवेलेबल होना चाहिए? सुपर एडमिन को, सही है। अब यूज़र्स टैब में देखते हैं हम यहाँ पर यूज़र लिस्ट क्या है। तो ये सारे यूज़र्स हमारे डैशबोर्ड में आ सकते हैं। अभी इसके अंदर जो है एक टैब नहीं है, वो है रोल का, वो अब आप उस पर ऐड करेंगे क्योंकि रोल बेस्ड ऑथेंटिकेशन चाहिए हमें। तो अब हम गूगल क्लासरूम पे आते हैं और हम लोग यहाँ लॉगिन के बाद कहते थे हैं कि हमें एक और क्या चीज़ चाहिए, ए, इसको ए वन कहते हैं, इसको ए टू कहते हैं, रोल बेस्ड ऑथेंटिकेशन। अब रोल बेस्ड ऑथेंटिकेशन में हमें क्या क्या चाहिए? सुपर एडमिन चाहिए जिसके पास सारी पावर होगी, उसके बाद एक एक मार्केटिंग टीम चाहिए, मार्केटिंग टीम, और एक हमारे पास चाहिए इन्वेंट्री वाले बंदे चाहिए। ईमेल से ही पहचाना नहीं जाता, इनके डेटाबेस की रॉ से पहचाना जाता है, डेटाबेस के रॉ के अंदर उसका रोल डिफाइंड होता है। इन्वेंट्री एक तो चाहिए, और क्या चाहिए? एक प्रोडक्ट मैनेजमेंट वाला बंदा चाहिए, सही है। ये आप नॉर्मली कर दीजिएगा, बाकी अगर मुझे याद आएगा तो मैं इसमें ऐड कर दूंगा। इन्वेंट्री में क्या होना चाहिए? इन्वेंट्री में आते हैं अभी, इन्वेंट्री इसके अंदर इसने इन्वेंट्री नहीं दिया है। इन्वेंट्री नहीं है, इन्वेंट्री में क्या होना चाहिए? इन्वेंट्री बेसिकली इन्वेंट्री इन है, मैंने इन्वेंट्री का पेज तो बताया हुआ है ना इधर, इन्वेंट्री मैनेजमेंट। जब आप कहते हैं इन्वेंट्री मैनेजमेंट, तो इन्वेंट्री मैनेजमेंट में अब क्या आता है कि आपका एक पेज होना चाहिए जिस पेज में वो प्रोडक्ट का अगर आप एग्जांपल दें तो कुछ ऐसा हो। अब जैसे ये प्रोडक्ट है ना, ऐसा एक टैब हो, उसके मैं क्लिक करूँ तो ये टैब ओपन हो जाए, सही है। अब इसके अंदर इन्वेंट्री इन का एक आपके पास एक टैब होना चाहिए, इन्वेंट्री इन पे जब मैं क्लिक करूँगा तो इस तरह का एक फॉर्म खुल जाना चाहिए, या ऐड इन्वेंट्री, इन्वेंट्री इन से ज़्यादा अच्छा है ऐड इन्वेंट्री, ऐड इन्वेंट्री करूँ तो इस तरह का पेज खुल जाना चाहिए। अब इस पेज खुल जाने के बाद अब आप ये डिसाइड करेंगे कि एक तो आप कितनी प्रोडक्ट्स लेकर आए, सिंपल। आपके पास यहाँ पर, इसके बाद यहाँ पर आपके पास एक नेम होना चाहिए कि आप इसका कोई भी नाम रख लें, सही है। डेट होनी चाहिए कि किस डेट पे आप ये इंसर्ट कर रहे हैं। दूसरा, यहाँ पर एक प्रोडक्ट्स का एक टैब होना चाहिए जिसके अंदर आप मल्टीपल प्रोडक्ट्स ऐड कर सकते हैं, यानी कि आपके पास एक ड्रॉप डाउन आएगा, आप सिलेक्ट करेंगे आपने कौन सा प्रोडक्ट आप लेकर आएँ, आप ड्रॉप डाउन को जब क्लिक करें तो आपके पास एक रॉ बन के आनी जानी चाहिए। उस रॉ में आपको प्रोडक्ट का नेम तो पहले से लिखा हुआ होगा क्योंकि आपने सिलेक्ट किया हुआ है। उसके बाद आप उसकी जो आइटम है कि आप ये प्रोडक्ट कितना लेकर आए हो, वो क्वांटिटी आप टाइप इन करोगे, सिंपल। और आप प्लस करके, अगर आपको प्रोडक्ट टू प्लस करके आप प्रोडक्ट थ्री, इस तरीके से वो आप पूरी लिस्ट बनाओगे और फाइनली सेव को क्लिक करोगे। क्या हर प्रोडक्ट मतलब ड्रॉप डाउन में से जैसे आप सिलेक्ट करेंगे ना तो एक नई रॉ आ जाएगी, जिस तरीके से ने आपने टू डू में किया था। क्योंकि हम लोग प्रोडक्ट वन हो सकता है मैं 50 ले आया, प्रोडक्ट टू मैं 20 ले आया, प्रोडक्ट थ्री मैं 40 ले आया, तो ये सारी मैं सिलेक्ट करता हुआ जाऊँगा, और जब मैं सारी वो सिलेक्ट करता जाऊँगा प्लस 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 करता जाऊँगा तो वो रॉज बनती जाएंगी कि प्रोडक्ट वन पहली रॉ, प्रोडक्ट वन 20 प्रोडक्ट, प्रोडक्ट टू, ये इसे करते 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 नीचे एक टोटल आएगा। टोटल किस चीज़ का आएगा? कि आपने कॉस्ट प्राइस कितनी लगाई, वो ऑटोमेटिक जनरेट हो जाएगी क्योंकि प्रोडक्ट की मुझे कॉस्ट प्राइस ऑलरेडी पता है, सही है, मल्टीप्लीकेशन है सिंपल। तो यहाँ पे टोटल आपका आ जाएगा कि टोटल की इन्वेंट्री वैल्यू कितनी है, क्योंकि यहाँ टोटल आ जाएगा। और आप जैसे ही सेव पे क्लिक करोगे तो आपका नंबर ऑफ स्टॉक्स जो है, यहाँ पे जो नंबर ऑफ स्टॉक है लिस्ट प्रोडक्ट्स में, वो क्या हो जाएगा? अपडेट हो जाएगा, सही है। एक तो हो गया एड इन्वेंट्री, एक होगा करंट इन्वेंट्री या सिर्फ इन्वेंट्री। करंट इन्वेंट्री क्या होता है कि आपको बस सिंपल आपकी ये प्रोडक्ट की लिस्ट नज़र आएगी और सामने सिर्फ उसके सामने क्या नज़र आएगा कि कितनी इन्वेंट्री उसकी बची हुई है, सिंपल नाम और सामने उसकी कितनी इन्वेंट्री बची हुई है। उसके साथ में आप ये भी शो करते हैं कि उसकी सीपी क्या बनेगी और उसका सेलिंग प्राइस क्या बनेगा, और नीचे टोटल आपको आ जाना चाहिए कि इस वक्त आपके पास टोटल इन्वेंट्री कितनी पड़ी हुई है, और उसको कैलकुलेट करना सिंपल है, प्लस माइनस है,
सब बात समझ रहे हैं। अब जाहिर सी बात है कि अगर प्रोडक्ट 1, 2, 3 मेरे पास 3 प्रोडक्ट हैं, पहले भी 100, दूसरे भी 100, तीसरे भी 100, अगर एक प्रोडक्ट की 3-3 रुपये वैल्यू है तो 300, 300, 300, तो टोटल इन्वेंट्री मेरे पास कितनी पड़ी हुई है, 900। तो मुझे ये पता चल जाएगा मेरे अकाउंट में, मतलब मेरे वेयर हाउस में मेरे पास टोटल इन्वेंट्री मेरे पास अभी कितनी अवेलेबल है। उसके अलावा ये जो स्टॉक वैल्यू है ये प्लस होगी जब आप एड इन्वेंट्री करोगे, ये माइनस होगी जब आपके पास क्या आएगा, ऑर्डर। जब आप इस प्रोडक्ट का ऑर्डर आ जाएगा तो ये इन्वेंट्री ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी, मतलब ये प्रोडक्ट पेज से ऑटोमेटिकली यहाँ से माइनस हो जाएगी। इसके साथ साथ जो इन्वेंट्री का टैब होगा उसमें से भी जाके वो जो लिस्ट आपकी टेबल आ रहा है उसमें से भी आपके पास वो एक माइनस हो जाएगा, क्योंकि वो बेसिकली अवेलेबल इन्वेंट्री है। हाँ, इन्वेंट्री की क्वांटिटी कौन सा, कहाँ पे, ये कोई होवर वोवर लगाया हुआ होगा क्या, नहीं मुझे समझ में नहीं आया क्या रीलोड हो रहा है। हाँ ये डार्क हो गया, ये इसके अंदर कोई ग्लिच है, क्योंकि सिंपल HTML CSS यूज़ हुआ हुआ है, कोई रिएक्ट भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। सही है लेकिन नहीं, बहुत इजी है यार ये। अच्छा मज़े की बात है ये सिर्फ एक है, आपको आप इस पर कुछ भी यूज़ कर सकते हो, क्योंकि अगर आप इसकी खोलोगे इसको VS कोड में तो आप देखोगे बड़े ख़तरनाक किस्म का इसका कोड हुआ हुआ होगा। क्या ऑर्डर्स, हाँ चार मेजर टैब्स हैं उसके अंदर, आप अपनी अपनी टैब्स तो अलग होंगी, जैसे प्रोडक्ट में ऐड प्रोडक्ट की टैब हो सकती है, लिस्ट प्रोडक्ट की टैब हो सकती है, दो टैब्स हो गई। उसके बाद ऑर्डर्स है, तो ऑर्डर्स के अंदर जो हमारे पास देख लेंगे क्या क्या हो सकता है, कि हमारे पास ऑर्डर हिस्ट्री है कि कौन कौन से ऑर्डर्स हमारे पास आए थे। सही है, उसके बाद एक ऑर्डर डिटेल पेज है, ऑर्डर डिटेल पेज नॉर्मली जो है यहाँ तो क्लिक करने से आ सकता है, यहाँ आप उसकी आईडी देंगे, ये बात समझ आ रही है, ये मैंने लास्ट टाइम बताई थी कि यहाँ तो आप इसकी रॉ को क्लिक करें तो आपको डायरेक्टली ऑर्डर डिटेल पे ले जाएगा, यहाँ अगर आप डायरेक्ट ऑर्डर डिटेल पेज को यहाँ से क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर एक कुछ पहले कुछ भी नहीं दिखना चाहिए, पहले सिर्फ बताना चाहिए कि मुझे ट्रैकिंग आईडी बताओ अपनी, सबसे पहले इंडेक्स नंबर डेटाबेस का आईडी, मतलब ट्रैकिंग आईडी, ट्रैकिंग आईडी मुझे बताओ। अब वो ट्रैकिंग आईडी बेसिकली क्या है, वो ऑर्डर नंबर है, जो कि जैसे कि यहाँ पर है 1047, तो 1047 में जाके पुट करूँ तो मेरे पास डायरेक्टली इस पूरे ऑर्डर की क्या आ जाए, हिस्ट्री आ जाए। तो ऑर्डर डिटेल टैब होना चाहिए उसके साथ, तो इस तरीके से इसके सब प्लॉट्स होंगे। ज़्यादा आपके लिए ईजी है कि आप इसके लिए क्या डाउनलोड कर लो, रिएक्ट का डैशबोर्ड डाउनलोड कर लो तो ज़्यादा बेटर है, ये आपको बहुत रुला देगा, लेकिन ये इसको कंट्रोल करना ज़्यादा ईजी है एज़ कम्पेयर टू अगर आप डायरेक्टली रिएक्ट का डैशबोर्ड यूज़ करते हैं तो। लेकिन इसका आप खुद देख लेंगे, ये अब आप पे डिपेंड करता है, ये देख लें सिर्फ क्या है, ऑर्डर डिटेल, और ज़रा इसका कोड देखें आप। सही है, ना सिर्फ ये है, इसके बाद अगर आप इसको थोड़ा सा गौर करेंगे तो इसके अंदर इसने क्या क्या यूज़ किया हुआ है, सिंपल बार CSS, उसके बाद क्या यूज़ हुआ है, एक CSS। तो ये सिर्फ ये कोड नहीं है, इसके साथ कुछ थोड़ा अलग कोड है जो उधर भी सेव हुआ हुआ है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो आपको इसको थोड़ा सा देखना है। इसके अलावा अगर आप प्रोडक्ट ऐड की बात करें, अब ये ख़ुद अपनी एक अलग पंचायत है। सही है, इसमें तो भाई इसने बूटस्ट्रैप भी यूज़ की हुई है, जिक्वेरी भी यूज़ की हुई है, सिंपल बार भी यूज़ किया हुआ है, स्लिक भी यूज़ किया हुआ है। हाँ, अपनी नहीं है, कुछ कुछ अलग भी हैं। ये जो है ना, ये जिक्वेरी जो है ये तो लाइब्रेरी है, बूटस्ट्रैप बंडल लाइब्रेरी है, सिंपल बार भी मुझे लाइब्रेरी लग रही है क्योंकि ये min.js है। सही है, इसके बाद ये तो डेफिनेटली लाइब्रेरी है, स्लिक भी लाइब्रेरी है, तो ये प्लगइन्स में आ रहा है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जो हैं आपको देखनी है, ये सिर्फ जो है ना इसकी अपनी है, एका JS। मोबाइल स्क्रीन पे ज़ाहिर है रिस्पॉन्सिव क्यों नहीं होगा, रिस्पॉन्सिव है, ज़ाहिर है रिस्पॉन्सिव क्यों नहीं होगा, $20 का है। सही है, तो रिस्पॉन्सिव लाजमी होगा,
तो ये कुछ चीज़ें हैं जो आपको देखनी है। लेकिन इन्वेंट्री के अंदर, प्रोडक्ट के अंदर एड प्रोडक्ट होगा, लिस्ट प्रोडक्ट होगा और प्रोडक्ट डिटेल होगा, तीन होंगे। हाँ, इन्वेंट्री में दो होगा, एक तो एड इन्वेंट्री होगा और दूसरा मैंने क्या बताया, इन्वेंट्री में बस सिर्फ इन्वेंट्री या फिर आपका इन्वेंट्री डिटेल कह लें आप उसको। इन्वेंट्री आउट जो है वो बेसिकली तब होगा जब ऑर्डर ऑटोमेटिकली आ जाएगा, जब ऑर्डर्स एड अप होंगे ना तो उसके बाद ऑटोमेटिकली आपका वहाँ से माइनस हो जाना चाहिए। अब इसके लिए आपको ऑर्डर्स जो हैं, क्योंकि ये किसी के साथ प्लगइन के साथ कनेक्टेड नहीं है, तो आपको थोड़ा कॉमन सेंस यूज़ करनी पड़ेगी कि आपको ऐड और न्यू ऑर्डर का टैब बनाना पड़ेगा। सही है, न्यू ऑर्डर में क्या होगा कि भाई आपने सिंपल यहाँ पे एक फॉर्म बना लिया जिसके अंदर आप प्रोडक्ट सेलेक्ट कर सकते हैं। प्रोडक्ट सेलेक्ट करें, आपको क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्ट चाहिए और प्लेस ऑर्डर का आप बटन दबा दें ताकि आपका वो जो ऑर्डर हिस्ट्री है उसके अंदर एक ऑर्डर क्रिएट हो जाए, ताकि हम इसको टेस्ट कर सकें कि आपका वो इन्वेंट्री वाला सारा सिस्टम वर्कआउट कर रहा है या नहीं। ठीक है, नॉर्मली ये जो ऑर्डर्स हैं ये हम कहीं से पुल करते हैं किसी एपीआई से। सही है, नॉर्मली डैशबोर्ड के अंदर डायरेक्टली ऑर्डर तो प्लेस नहीं होता ना, ऑर्डर्स तो ये कहीं ना कहीं पे ऐड होंगे, मतलब कोई मेरी वेबसाइट होगी जिसके अंदर लोग ऑर्डर्स प्लेस कर रहे होंगे, तो मैं वहाँ से डेटा लेकर आऊँगा कि कितने ऑर्डर्स आए हैं आज। लेकिन यहाँ पे आप न्यू ऑर्डर का एक टैब देंगे जिससे हम पूरा डैशबोर्ड जो है वो चेकआउट करेंगे। इसी तरीके से अगर आप खुद देखें ऑर्डर्स के अंदर, एक एक तो अब ऐड ऑर्डर या न्यू ऑर्डर, उसके बाद ऑर्डर हिस्ट्री और ऑर्डर डिटेल, तीन हो गए। कौन सा वाला? अच्छा, यूजर्स का तो सुपर एडमिन के लिए अवेलेबल होगा, ये तो कॉमन सेंस है। सही है, हाँ, पांच हो गया। वैसे वेंडर शेंडर हमें नहीं चाहिए, इसको छोड़ दें, यूजर्स अकेला हो। वेंडर्स जो है ये बेसिकली ये उसके लिए ऐड होगा जो कि आपका इन्वेंट्री है, लेकिन अभी इन्वेंट्री में इतना कॉम्प्लिकेट नहीं करते। इन्वेंटर्स लिस्ट का मतलब है कि मैं, मेरे पास दो ड्रॉप डाउन होंगे, कि एक दो ड्रॉप डाउन होगा कि प्रोडक्ट सेलेक्ट करो, एक ड्रॉप डाउन ये होगा किस वेंडर से खरीदा है। ये आपका डेटाबेस और ज़्यादा कॉम्प्लिकेट कर देगा। वेंडर्स छोड़ दो। हाँ, यार देखें, इसका प्रॉब्लम यह है कि आपने जो बैकएंड पे किया हुआ है ना, रोल बेस्ड ऑथेंटिकेशन नॉर्मली हम लोग रिएक्ट में ही करते हैं फ्रंट एंड पे। हेडर्स में नहीं, ये तो अप्रोच नहीं होनी चाहिए। हेडर्स में तो हम नहीं देते, पोस्ट रिक्वेस्ट में डेटा भेजते हैं हम नॉर्मली। हेडर्स का मतलब है कि रीड हो जाएगा पोस्ट रिक्वेस्ट। और दूसरा एक तो ये है कि आपके पास जो नॉर्मली ऑथेंटिकेशन और रोल बेस्ड ऑथेंटिकेशन है वो आपकी फ्रंट एंड लेवल पे ही हो जाती है, सिंपल। क्या वही रोल बेस्ड पे कह रहा हूँ, फ्रंट एंड में ज़्यादा इजी है, हम रिएक्ट के थ्रू ही कर देते हैं। बैकएंड सिर्फ आपको बता देता है कि ये कौन है। बैकएंड का मतलब डेटाबेस में होगा, जैसे आप यूज़र नेम सेव करवा रहे हैं, पासवर्ड सेव करवा रहे हैं, यूज़र क्रिएटेड की डेट सेव करवा रहे हैं, उसके साथ आप सिंपल एक रोल का कॉलम भी बना दें और उसमें ये सेव करा रहे हैं कि यूज़र कौन है, एडमिन है क्या है। तो जब एडमिन आया तो आप राउटर जो है ना, रिएक्ट राउटर बेसिकली ये वहाँ से कंट्रोल होता है। ये भी आपने बैकएंड किया, आपने बेसिकली एपीआई का काम किया है। सही है, हम लोग डैशबोर्ड का काम कर रहे हैं, डैशबोर्ड में जो रोल बेस्ड ऑथेंटिकेशन है वो फ्रंट एंड के ज़्यादा ईजी है और वो ज़्यादा मैनेजेबल है, ईजिली मैनेजेबल है। किस पे? नहीं, ऐसा नहीं होगा। क्या न्यू ऑर्डर एडर एक ही बात है, नाम सिर्फ डिफरेंट है। कैश फ्लो में आपको एक तो आपके पास सिंपल एक मेन टेबल होना चाहिए, जब आप कैश फ्लो पे क्लिक करें तो एक आपके पास मेन टेबल आना चाहिए जो ये बताए कि ऊपर डेट रेंज हो, कि आपको कैलकुलेशन किस चीज़ की चाहिए, इतनी डेट से इतनी डेट पे आ जानी चाहिए। फिर एक टेबल शो होना चाहिए जिसके अंदर ये पता हो कि भाई हमारे पास टोटल ऑर्डर्स इतने आए थे। सही है, अब आप इसको यूआई कैसे भी कर लें, सिंपल सा एक टेबल बना लें या एक कार्ड्स बना लें, मतलब पहले कार्ड में लिखा हुआ हो टोटल ऑर्डर्स 400। सही है, इस डेट रेंज में। उसके बाद इसका टोटल रेवेन्यू है ये 550,000, उसके बाद नेट इनकम इतना, जैसे कि इसका मेन पेज है ना ये डैशबोर्ड, ये मैं कह रहा हूँ ऐसे मेन चीज़ें ये आ जाएं। उसके अलावा फिर एक बड़ा सा ग्राफ हो जिसमें जो ऑर्डर्स हैं वो डेट बाय डेट हो। अगर फर्ज करो मैंने एक वीक का निकाल लिया, फिर मुझे ये शो करते कि कितने रेवेन्यू जो है
हर डे का कितना कितना रहा था, सही है। लेकिन समरी पहले ऊपर ऐसे ही आ जाए, मेन मेन पॉइंट्स जो मुझे मेन मेन चीज़ें चाहिए कि इस डेट रेंज के अंदर मेरे पास ऑर्डर्स कितने थे, मेरे पास रेवेन्यू कितना था, मेरे पास नेट प्रॉफिट कितना था और मेरे पास क्रॉस प्रॉफिट कितना था। क्योंकि ग्रॉस प्रॉफिट ये बेसिकली पता चल जाता है कि मेरा मार्केटिंग स्पेंड कितना हुआ, समझ रहे हैं। तो ये चार चीज़ें मेरे पास मेन आ गई। उसके बाद क्योंकि अब सिर्फ चार चीज़ें अगर मैं कैश फ्लो के पेज में दूंगा तो बहुत खुला खुला लगेगा कि यह बहुत खाली जगह है, तो उसको भरने के लिए आप ये वाला ही ऐसा ग्राफ वहाँ पे दे सकते हैं। लेकिन फ़र्ज़ करो ये जो एक लाइन है ये किसकी होगी, रेवेन्यू की। अब फ़र्ज़ करें मैंने 7 दिनों का डेटा निकलवाया है, तो 7 दिनों का डेटा तो नीचे क्या होगा, डेज पे डेटा चेंज होगा, सही है, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। और रेवेन्यू जो वो उसके मुताबिक ये बताएगा कि 6 को कितना रेवेन्यू था, 7 को कितना रेवेन्यू था। अब इस ग्राफ ये जो आपका है ना, ये वाला मल्टी लाइन, इसका ये फ़ायदा है कि आप एक ही ग्राफ के अंदर रेवेन्यू, नेट प्रॉफिट, ग्रॉस प्रॉफिट तीनों प्लॉट कर सकते हैं। बात समझ आ रही है? तो सिंपल वो पता चल जाएगा, अच्छा पहले दिन हमारे पास नेट प्रॉफिट इतना था, ग्रॉस प्रॉफिट इतना था, ये वाला, हाँ आपके लिए ये 100 रुपीज़ ही होगा, सही है। तो ये बेसिकली मैं ये चाह रहा हूँ, दो चीज़ें कैश फ्लो में, ये दो चीज़ें आपको दिखनी चाहिए, करेक्ट। सीक्रेट की किसके लिए, यूज़र साइन अप कर रहे हैं, हाँ उसके लिए। आप आपकी मर्ज़ी है आप उसको कैसे सिक्योर करना चाहते हैं, लेकिन आप मैं क्योंकि अगर आप उधर साइन अप पेज नहीं बनाते तो आपको यूज़र्स के अंदर ऐड न्यू यूज़र का टैब बनाना पड़ेगा, समझ रहे हैं। सहर यहाँ पे आप, मैंने आपको कहा कि सुपर एडमिन जो होता है वो मैनुअल हमेशा ऐड हो जाता है, परमिशन आप उसके बाद, ये ज़्यादा कॉम्प्लिकेट हो जाएगा। अगर आप इसको करना चाह रहे हैं तो ठीक है, ना करें तो ना करें। मेरे कहने का मतलब है परमिशन ये होगी कि यूज़र लिस्ट में आप ये जैसे एक्टिव है ना, तो ये एक्टिव जो है मेरे पास ड्रॉप डाउन होगा, मैं इसको चेंज करके और इसको मैं वो कन्वर्ट भी कर सकता हूँ कि इसको डिसेबल कर दो, एक्टिव कर दो या डिसेबल कर दो, डीएक्टिवेट कर दो। तो आपका ये वाला जो यूज़र है ये या तो एक्टिव होगा या चेंज होगा, लेकिन ये एक एक्स्ट्रा वो है, इशू है। अगर आप इसको नहीं करना चाहते इसको ना करें। मेन जो पर्पज़ है कि आपका डैशबोर्ड चलता चलाता दिखना चाहिए, जिसके अंदर नोड जेएस और आपके पास वो बैकएंड फ्रंट एंड सब कुछ डेटाबेस काम करना चाहिए। बात समझ आ रही है? डेटा नॉर्मली आप जो है वो एक्स्ट्रा डाल देंगे, लेकिन जाहिर सी बात है ये सब सोचेंगे कि अगर कोई नया यूज़र आता है, मतलब कि मैं एज एन एडमिन कनेक्ट करता हूँ, अब मुझे नया प्रोडक्ट ऐड करना है, तो जाहिर सी बात है ऐड न्यू प्रोडक्ट का टैब मेरे लिए होना चाहिए। अब मुझसे कोई गलती हो गई है, मैं चाहता हूँ कि यहाँ ये वाले जो यूज़र है, ये तो यूज़र्स हैं, हाँ अब ये यूज़र्स हैं, मुझे इसका ना ये ईमेल चेंज करना है, तो मैं इस पर क्लिक करूँ तो इसका वो एक मॉडल बॉक्स खुल जाना चाहिए जिसमें मैं एडिटिंग कर सकूँ, और सेव करूँ तो डेटा सेव हो जाना चाहिए। ये सब चीज़ें आपने सोचनी है कि कौन सी चीज़ कैसे होगी। अब प्रोडक्ट है, मुझे ऐड प्रोडक्ट करना है तो ऐड प्रोडक्ट आ जाएगा। अब मुझे देखना है कि मेरे प्रोडक्ट सेव हुए तो मुझे लिस्ट प्रोडक्ट आ जाना चाहिए, सही है। अब लिस्ट प्रोडक्ट के अंदर इन्होंने फ़िल्टर्स को ही नहीं दिए, फ़िल्टर्स होने चाहिए, प्राइस रेंज का फ़िल्टर होना चाहिए आपके पास, स्टॉक्स का फ़िल्टर होना चाहिए कि कितने, अगर लेस देन 10 वाले में देखना चाहता हूँ तो वो कितने हैं, समझ रहे हैं। तो इस तरह के फ़िल्टर आप थोड़ा सोचें कि कौन सी प्रोडक्ट आप कैसे करेंगे, इसको थोड़ा अपना दिमाग भी लगाएं, और जितना आप इसको अच्छा करेंगे ये आप अपने गिटहब पे एज अ पब्लिक प्रोफाइल पोस्ट करके और आप इसको आगे चल के एज अ अपना पोर्टफोलियो प्रोजेक्ट भी शो कर सकते हैं किसी को भी, क्योंकि एक फुल फ्लैश डैशबोर्ड होगा तो इसकी बहुत वैल्यू होगी आपके लिए, सही है। इवन ये इंडस्ट्रियल आपके लिए भी बहुत यूज़ हो सकता है कि आप किसी को बेच भी सकते हैं। अगर आपके पास कोई ऐसा क्लाइंट आता है अगर फ्रीलांसिंग में कि उसको डैशबोर्ड चाहिए, आप उसको ये दिखा दें, आप उसको बोलेंगे मैं आपका काम जल्द से जल्द कर लूँगा, क्यों, क्योंकि भले आपका ई कॉमर्स डैशबोर्ड नहीं है, मैं इस डैशबोर्ड को जल्दी से चेंज करके आपके वाले काम सारे लगा के और मैं आपको ये डिलीवर कर दूँगा। यार डिपेंड करता है उसकी फंक्शनैलिटी पर, 8 महीने भी लेता है, 1 दिन भी ले लेता है, यार 2 महीने लगते हैं नॉर्मल एक डैशबोर्ड में, क्योंकि इसकी टेस्टिंग बहुत होनी होती है, डैशबोर्ड्स क्रैश बहुत ईजिली कर जाते हैं। हाँ कंट्री कोड्स के लिए, हाँ उसके लिए लाइब्रेरीज हैं। पाइथन की यार मैंने यूज़ की है, मैंने नोड जेएस का कभी देखा नहीं है, पाइथन में तो बहुत ज़्यादा है, उसके लिए कंट्री कोड्स, उसके सब कुछ ये सब आ रहा होता है। इवन वो कंट्रीज के नेम्स नहीं आते, आप क्लिक करते हैं फिर उसके सिटी नेम्स आ जाते हैं, इसकी भी लाइब्रेरी है। नोड जेएस का मुझे चेक करना पड़ेगा क्योंकि नोड जेएस में ये काम मैंने बनाया नहीं है, मैंने ये एपीआई बनाई है उसके लिए पाइथन के लिए। हाँ ये कन्वर्जन रेट जो है पाइथन में, इसकी लाइब्रेरी है कन्वर्जन, जिसमें हम सारी कन्वर्ट कर लेते हैं।
हाँ चेंज हो जाते हैं। वो सिंपली क्या करता है कि वो उसके साथ हमने मल्टीप्लिकेशन एक फैक्टर लगाया हुआ होता है, और सारे जितनी भी करेंसीज होती हैं वो हमारे पास अवेलेबल होती हैं। हाँ आ रही होती है वो, हम API कनेक्टेड होती है, हम उससे एक्सचेंज रेट निकलवाते हैं, एक्सचेंज रेट से मल्टीप्लाई करके उसकी सारी वैल्यूज चेंज कर देते हैं। ये एक सिंपल सा है, लेकिन ये API, ये अगेन मैंने पाइथन में किया है। पाइथन इसलिए मैं ज़्यादा यूज़ करता हूँ क्योंकि वो मुझे थोड़ा ज़्यादा फ्लेक्सिबल लगता है एज़ कम्पेयर टू Node.js। Node.js में ना बॉयलर प्लेट कोड बहुत होता है, मतलब एक चीज़ को करने के लिए आपको जैसे वो फाइल अपलोड है उसके लिए मल्टर है, पाइथन में कोई लाइब्रेरी की ज़रूरत नहीं पड़ती, वो डायरेक्टली फुल फ्लैज जैसे ही हो जाता है। पाइथन शेल जो है बेसिकली उसका कंपाइलर है। कंपाइलर का क्या होता है, नहीं VS कोड भी उसमें कोडिंग वहीं होती है। कंपाइलर क्या करता है कि आप लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूशन करा के देख लेंगे आपका कोड कैसे काम कर रहा है, तो शेल उसके लिए यूज़ होता है। लेकिन शेल हम नॉर्मली यूज़ नहीं करते, हम उसके लिए यूज़ कर लेते हैं जुपिटर नोटबुक। जेंगो जो है वो डी जेंगो नहीं है, जेंगो है, उसके लिए हम ये यूज़ करते हैं शेल की जगह। शेल बहुत पहले यूज़, अभी भी मैं कभी कभी कर लेता हूँ जल्दबाजी में, अगर कोई चीज़ मुझे देखनी हो, पता नहीं इसमें है पाइथन नहीं है, चेक कर लेते हैं। नहीं है, नहीं है। तो ये जो होता है टर्मिनल, बेसिकली इसको शेल कहते हैं, पाइथन शेल। जब आप इसको पाइथन एग्जीक्यूट करा लो ना, तो यूं करके दो ग्रेटर देन की यूं लाइनें आ रही होती हैं, तो वो पाइथन शेल कहलाता है। लेकिन वो ज़्यादा आजकल यूज़ नहीं होता, मैं कभी कभी यूज़ कर लेता हूँ जब मुझे क्विकली कोई चीज़ टेस्ट करनी होती है। नहीं 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 हम यही कर लेते हैं यहीं पे, ये वो सिंपल कंपाइलर लोड कर लेता है पाइथन का। अगर आप यहाँ पे भी सर्च कर लो ना पाइथन प्लेग्राउंड, तो आपको वो यहाँ पे भी मिल जाता है। अब ये है ना, आप इसको रन करो, तो ये बेसिकली जो चीज़ है ना ये शेल है। लेकिन अभी ये शेल क्योंकि ऑनलाइन है, तो यहाँ पे अभी मैं टाइप नहीं कर सकता। वहाँ पे जो आपके कमांड प्रॉम्प्ट के अंदर खुल जाता है, वो वहीं पे टाइप भी करते हैं, मतलब मैंने लिख दिया A+B=C, तो एक्चुअली वहीं पे करके एंटर करो तो नीचे जवाब आ जाता है। तो लेकिन वो टेस्टिंग के लिए होता है, कभी भी उसके लिए नहीं होता, जो काम होता है वो VS कोड के अंदर ही होता है। ठीक है, अगर वैसे अगर आप लोगों को पाइथन सीखनी हो ना, तो आप यूट्यूब पर जाएँ, और हमारा एक गंजा है मोश पाइथन, सही है। मोश पाइथन की एक है फुल कोर्स जो कि 6 घंटे का है, इसके पूरे प्रोजेक्ट बना के दिखाया, और ये बहुत बहुत इन डेप्थ है। लेकिन इस पर आप, ये आप ज़िंदगी में कभी भी 6 घंटे पूरे नहीं कर पाओगे, सही है, क्योंकि किसी का भी अटेंशन स्पैन इतना नहीं होता कि वो 6 घंटे पूरे कर ले। 6 घंटे की मूवी होती तो हम कर सकते थे, लेकिन 6 घंटे की पाइथन की वीडियो कभी भी नहीं होगी। तो हमारे जैसे लोगों के लिए इसने क्या बनाया है, लर्न पाइथन इन 1 आवर, ये बहुत शॉर्ट है। अब मज़े की बात है कि आपने अच्छा खासा वो पढ़ा हुआ है, जावास्क्रिप्ट वगैरह रिएक्ट सब कुछ पढ़ी है, तो आप अगर इसको आगे ले जाएंगे तो आप देखेंगे तो ये उसी तर्ज पे चीज़ें सिखाता है कि पहले डेटा टाइप पढ़ाएगा, सही। अब ये पाइथन कंपाइलर जो आप कह रहे थे ना, ये वो डाउनलोड करना सिखा रहा है। वो तो बहुत बड़ा वाला है ना उसमें। अब ये पाईचार्म यूज़ कर रहा है ना, आप पाईचार्म यूज़ ना करें, आप VS कोड ही यूज़ करें। जेंगो फ्रेमवर्क है, जैसे Node.js फ्रेमवर्क नहीं है, Node.js वो एक लैंग्वेज है। जैसे हमारी एक्सप्रेस है, रिएक्ट है, बेसिकली जो एक्सप्रेस काम कर रही है ना सर्वर बनाना, जेंगो एग्जैक्ट सेम काम करती है। लेकिन जेंगो ज़्यादा हैवी है एज़ कम्पेयर टू वो। मैं जेंगो यूज़ नहीं करता, मैं फ्लास्क यूज़ करता हूँ जो कि उसका सिस्टर फ्रेमवर्क है। फ्लास्क उसके लिए बहुत पॉपुलर है लाइब्रेरी APIs के लिए। किसके लिए? एप्लीकेशन डेवलपमेंट कौन सी वाली, वेब या आपकी डेस्कटॉप? एक तो होती है डेस्कटॉप ऐप, एक होती है आपके पास विंडोज़ ऐप, वो उसकी सॉरी ब्राउज़र ऐप। विंडोज़ वाली उसके लिए हम बिल्कुल यूज़ करते हैं, उसके लिए हमारे पास होती है, लेकिन पाइथन भी है। ये tkenter है, ये वाला लाइब्रेरी यूज़ होती है पाइथन की, ये वाला काम करने के लिए जो आप कह रहे हैं, ठीक है। लेकिन जो अगर आपको ये वाला काम करना है, तो मैंने आपको जो बताया था ना एक इलेक्ट्रॉन JS, ये वाला ज़्यादा यूज़ होता है डेस्कटॉप ऐप्स के लिए। यार .NET जो है ना, ये माइक्रोसॉफ्ट का फ्रेमवर्क है, ये सिर्फ विंडोज़ में ही काम करेगा, सही। ये भी एक तरह की लैंग्वेज है, मैंने इस पर कभी काम नहीं किया है,
यार डिमांड है अपनी जगह पे, लोग हैं डॉट नेट पे अच्छा खासा काम कर रहे हैं, पैसा बना रहे हैं अब डॉट नेट। लेकिन अब डॉट नेट की जगह अगर आपको करना है तो आप सी प्लस प्लस भी कर सकते हैं। सी प्लस प्लस की जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है वो भी नेटिव टाइप है। होंगे उसके पास, हर किसी की अपनी मार्केट है। वह तो ये कब, ये बात तो जावा वाले भी कहते हैं यार। डॉट नेट आपका लेकिन बिल्कुल ही जो स्टेक है ना वो डिफरेंट हो जाएगा। अभी आप जावा स्क्रिप्ट एचटीएमएल सीएसएस इस पे आप काम कर रहे हैं ना, डॉट नेट बिल्कुल डिफरेंट है। डॉट नेट पूरा एक इकोसिस्टम है, क्योंकि उसके अंदर ना एचटीएमएल सीएसएस बिल्कुल डिफरेंट है, अलग लैंग्वेज टाइप है वो। मैंने उस पर कभी काम नहीं किया, लेकिन जितना मुझे इन्फॉर्मेशन है, मेरा एक जानने वाला था वो करता था तो मुझे बताता था कि वो बिल्कुल डिफरेंट है डॉट नेट, उसके बिल्कुल कंपाइलर्स अलग हैं, सब कुछ अलग है। तो अगर आप उस बेस पे जाना चाहते हो तो फिर आप डॉट नेट पे ही रहेंगे, ये बात सोच लीजिएगा। कंपाइलर जो होता है वो सारा कोड एक साथ कन्वर्ट कर देता है, सही है, और जो आपका इंटरप्रेटर है वो लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूशन करता है। जावा स्क्रिप्ट जो है वो इंटरप्रेटर है, सही है, और जो जावा है वो कंपाइलर है। कंपाइलर का ये फ़ायदा होता है कि आपने सारा कोड किया है, अब आप उसको कंपाइलर पे चलाओगे ना तो वो जो जो एरर्स होंगे ना वो सब बताता है। लेकिन रिएक्ट का जो ये वाला है जो हमारा है ना बेबेल, जो बेसिकली आप करते हैं npm सर्व, npm सर्व करते हैं, npm स्टार्ट करते हैं, सॉरी सर्व व्यू जो है इसका होता है, तो npm स्टार्ट हम करते हैं, तो ये भी एक कंपाइलर है, क्योंकि ये सारी एप्लीकेशन को एक साथ कन्वर्ट कर रहा होता है नेटिव जावास्क्रिप्ट में। तो ये वाला जो है ये क्यों बनाया गया था, क्योंकि कंपाइलर की खास बात क्या होती है कि वो पूरी कोड को पढ़ता है, इंटरप्रेटर पूरे कोड को नहीं पढ़ता। तो उससे मसला क्या होता है कि लाइन नंबर 5 पे एरर आया तो जो आपको सिर्फ लाइन नंबर 5 का एरर बताएगा, वो लाइन नंबर 10 का एरर नहीं बताएगा, लेकिन कंपाइलर 5, 10, 15 सारी लाइंस का एरर बताएगा। एक ही बताता है वो, पहला जब पहला जो ब्रेक करेगा ना वहाँ का सिर्फ बताएगा। तो रिएक्ट वालों ने ये काम किया था कि उन्होंने एक कंपाइलर बनाया था जो बेसिकली कन्वर्ट करता है आपके रिएक्ट के कोड को प्लेन जावास्क्रिप्ट में, तो ये कंपाइलर हो गया। अगर आपको पाइथन सीखनी है तो आप इस बंदे से सीखें, शुरू का ये थोड़ा बकवास करता है, अब यहाँ से शुरू करें, ठीक है। अब अगेन वही वाली बात है कि आपको बहुत इजी लगेगा एज़ कम्पेयर टू जो उसके है। अगर आप खुद आप सोचेंगे, अब ये प्लेग्राउंड है ना, अब आप कौनसोल लॉग करते थे जावास्क्रिप्ट में, यहाँ पे ये क्या करता है फ्रेंड, बहुत आसान है, आई थिंक ये उससे भी ज़्यादा आसान है। और ये आपका टर्मिनल है, इस पर क्या लिख दिया उसने, हेलो वर्ल्ड, जैसे वहाँ पे कौनसोल होता है, सिंपल। अब जैसे कि हमारे पास होता है वार, नहीं var 8 is equals to, क्योंकि उसका कंपाइलर वहाँ मौजूद नहीं है, var 8 is equals to 10, ठीक है। ये हम होता था किसमें, जावास्क्रिप्ट में, पाइथन में सिर्फ ये var हट जाता है, नहीं की वैल्यू तो वो अलग चीज़ है ना, मतलब वो होता है डायरेक्ट वेरिएबल है, ये यही भी किया है ना मैंने, अब मैंने a किया और नहीं डॉलर का साइन नहीं होता इसके अंदर, क्या ये बेसिकली मैं एक स्ट्रिंग लिटरल यूज़ कर रहा हूँ, स्ट्रिंग का एक ये टेक्निक है। अब मैं इसमें या तो ये डॉलर वाला होता है नहीं होता मुझे खुद याद नहीं है यार, एक और तरीका है इसके अंदर, नहीं बैक टिक्स नहीं होता मेरे भाई, एफ अगर हम यूज़ करना नहीं चाहते तो हम सिंपली ये भी कर सकते हैं, उसको स्पेस दे के प्लस ए, नहीं पता नहीं कंपाइलर एरर हो गया, हाँ सही है सही है सही है। वैसे ये आई थिंक ऑनलाइन है तभी ऐसा कर रहा है, वरना नॉर्मली पाइथन कर देता है इसको, सर एरर दिखाता है। हाँ अब हेलो वर्ल्ड आ गया क्या, 10 यानी कि मैंने पहले भी सही किया था क्या, स्ट्रिंग उसमें हम, उसमें थोड़ा मुश्किल होता है यही काम करना, टाइप कास्ट करना, स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर रहा है। ये मैंने उठा लिया यहाँ से, ये मैंने पहले सही किया था, मैं भी कहूँ चल क्यों नहीं रहा। तो अब ये क्या कह रहा है, सैन बेर एंड ला, क्या मैंने क्या गलती की, एफ यार ये क्या कर रहा है, ये कौन सा वर्जन है पाइथन का यार, ये कोई पाइथन 2 वो है, लेकिन पाइथन 3 एग्जैक्टली इस कोड को एक्सेप्ट करेगा ये नहीं आता मुझे गारंटी याद, सबसे ज़्यादा मैं यही इसी पर काम करता हूँ। खैर हाँ पाइथन के अब वर्जन भी बहुत हैं, पाइथन जो मैं हम जो यूज़ करते हैं पाइथन नंबर 3 है, सही, जो पुराना है वो पाइथन नंबर 2 है, तो ये चीज़ें होती हैं। अब ये 8 इज इक्वल्स टू 2 बोलें, क्योंकि वो उसको कन्वर्ट करता है नेटिव लाइब्रेरी में जो कि आपका कंप्यूटर समझता है। पाइथन जो है वो बाइनरी फाइल बनाता है,
तो उसकी आपकी कंपाइल फाइल जो होती है .pyc जो कंप्यूटर रीड कर सकता है, नहीं कर सकता क्योंकि वो लैंग्वेज डिफरेंट है उसकी, आपकी जो कीवर्ड्स बने हुए हैं वो कंप्यूटर को तो नहीं पता ना। फिर उसका कंपाइलर ज़रूरत नहीं पड़ती, वो डिपेंड करता है कि आपका जो मेन कोड है, मशीन कोड है, वो किसको रीड कर सकता है और किसको नहीं, मेन चीज़ है सही। अगर वो किसी और लैंग्वेज में है तो उसको फिर कंपाइलर चाहिए, जैसे जावा का कंपाइलर चाहिए आपको कंप्यूटर में, वैसे ही होता है। जावास्क्रिप्ट का भी चाहिए, लेकिन जावास्क्रिप्ट का ब्राउज़र के अंदर ऑलरेडी होता है, सही है। अब इसको A5 कर दिया हमने, C++ का, यार C++ मैंने कभी काम किया नहीं है, लेकिन मुझे जितना याद है कि उसका भी चाहिए होता है, क्योंकि जो मेन लैंग्वेज है जो कंप्यूटर समझ सकता है विंडोज़, वो सी है। हाँ तो वो सी, वो कौन सा विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम सिर्फ, सही है। तो ये डिफरेंट डिफरेंट होता है, असेंबली में भी कन्वर्ट करना होता है, फिर मशीन लैंग्वेज में भी कन्वर्ट करना होता है, तो हर हर ऑपरेटिंग सिस्टम का अपना अलग सिस्टम है। अब हम इसको कह देते हैं प्रिंट, प्रिंट A+B। तो आप देख रहे हैं कि हमने दो वेरिएबल सिंपल बना लिए हैं, पाइथन इतनी आसान है, न वार न कॉन्स न कुछ। 10 और 5, इसको नीचे मैंने A+B कर दिया, वहाँ पे उसने क्या बोल दिया, केस सेंसिटिव नहीं है ये पाइथन, नहीं नहीं किसने बोल दिया, सबसे इजीएस्ट ये यार। हाँ ये उसकी आप बात करें इंडेंट का, ये एक होता है डेफ माय फंक, ये आप शायद इसकी बात कर रहे होंगे। अब ये जो स्पेस है ना, ये बताता है कि ये वाली लाइन इसकी बॉडी है, तो ये थोड़ा सा ख्याल रखना पड़ता है। अब जैसे मैंने लिख दिया प्रिंट दिस इज फ्रॉम फंक्शन, नहीं ब्रैकेट नहीं होता ना इसके अंदर। अब देखिए मैंने ये किया, कुछ भी नहीं आया क्योंकि हमने अभी तक फंक्शन चलाया नहीं है, तो मैं फंक्शन से बाहर आ गया, ये क्योंकि मैं पीछे आया ना तो फंक्शन से बाहर आ गया। अब ये माय फंक, अब आप चलाओ दिस इज फ्रॉम फंक्शन, उसके अंदर कुछ भी नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा, चलेगा ही नहीं। ये ले तो ये ऐसे होता है। और दूसरा इसके अंदर आप वो भी फॉर लूप भी बना सकते हैं, फॉर तो बहुत आसान है, ऐसे होता है क्या फंक्शन पैरामीटर्स, जाहिर है इसके अंदर ए होता है, ए होता है, और यहाँ पे मैंने कर दिया माय फंक दिस इज, नहीं इतना नहीं है, वो आ गया दिस इज पैरामीटर, ठीक है। फिक्स प्रोग्राम और स्टोर प्रोग्राम, नहीं ये मैंने क्लासिफिकेशन नहीं पढ़ी, नहीं 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 ये आप किसी लैंग्वेज की कोई टर्मिनोलॉजी यूज़ कर रहे हैं, पाइथन की, नहीं 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 ये कुछ और है, कुछ और है, कुछ और है, इस पर मत जाओ, इस पर मत जाओ। देखो पाइथन को सिंपल रखो, पाइथन आपको ज़ेन ऑफ पाइथन पता है क्या, ज़ेन ऑफ पाइथन एक ज़बरदस्त चीज़ है, ज़ेन ऑफ पाइथन कहलाता है, इसमें कहीं भी होगा प्रिंस, एक बड़ा ज़बरदस्त सा इसका है। देखें वो क्या कहता है, ब्यूटीफुल इज़ बेटर देन अगली, ठीक है, एक्सप्लिसिट इज़ बेटर देन इम्प्लिसिट, सिंपल इज़ बेटर देन कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लेक्स इज़ बेटर देन कॉम्प्लिकेटेड। पाइथन का ये बेसिकली ज़ेन ऑफ पाइथन इसको कहते हैं, मतलब ये पाइथन की थ्योरी है, सही है, पाइथन की थ्योरी, मतलब जिसने पाइथन बनाई थी ना, ये उसकी साइकोलॉजी है। वो कहता है कि जिस चीज़ को जितना सिंपल रखा जा सकता है ना, उतना सिंपल रखो, समझ रहे हैं। तो ये क्या करता है कि इसकी जो पाइथन की लैंग्वेज है वो बहुत सिंपल है, मतलब आपको एक लूप में कोई एक वर्ड निकालना है, मतलब एक स्ट्रिंग के अंदर आपको एक वर्ड ढूंढना है, तो वो क्या कहता है कि वो स्ट्रिंग में वर्ड लिखो, इन का पैरामीटर यूज़ करो और वो स्ट्रिंग दे दो जिसके अंदर ढूंढना है। मतलब उसने इतना सिंपल किया हुआ है कि ये लफ्ज़ मुझे चाहिए किसके अंदर चाहिए, इसके अंदर। तो ये कहता है कि सिंपल, मुझे ये लाइन बड़ी अच्छी लगती है, सिंपल इज़ बेटर देन कॉम्प्लेक्स, सही है। तो पाइथन बहुत सिंपल लैंग्वेज है, इसको अगर आप पढ़ लेते हैं तो बहुत ईजी है एज कम्पेयर टू जो आपके पास है। डिक्लेरेटिव नॉलेज और आप मुझे अंग्रेजी का टेस्ट ले रहे हैं। देखो वैसे तो मुझे इतना कोई टर्म मुझे याद नहीं है, लेकिन डिक्लेरेटिव का याद है मुझे, डिक्लेरेटिव है जिसकी डिक्लेरेशन एक्सप्लिसिटली डिक्लेयर वो अवेलेबल हो,
सही है, जो अलग से आपके पास ये दिख रहा हो कि यहाँ पे ये चीज़ डिक्लेयर हुई भी है, वो डिक्लेरेटिव, वैसे मैं खुद भूल गया इसकी डेफिनेशन, आप सर्च कर लेना, मुझे याद नहीं है। स्टेटमेंट्स ऑफ फैक्ट, नहीं नहीं ये तो अंग्रेजी है, पाइथन नहीं है। नहीं 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 ये पाइथन का आई थिंक कहीं से कोई कोर्स पढ़ रहे हैं आप? नहीं नहीं देखें, मैं तभी कह रहा हूँ कि ये सब इसका ना आपसे कोई नहीं पूछेगा। आपके पास पाइथन का जो इंटरव्यू भी होता है ना, उसके अंदर वो आपसे क्या पूछेगा, वो आपको बोलेगा कि फ़र्ज करें कि ये है कि माई नेम इज़ ए बी सी, सेल फोन 1234567 जो भी है, एड्रेस एक्स वाई जी। वो आपको बोलेगा ये आपके पास स्ट्रिंग है, मुझे ए बी सी सेल फोन एक्स वाई जी, यानी कि नेम फोन एड्रेस मुझे एक पाइथन ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करके दिखा दो। सही है, वो आपको ऐसे सवाल देगा, उसको ये सब से नहीं पड़ी हुई, वही वाली बात है, सिंपल इज़ बेटर देन कॉम्प्लेक्स। नहीं नहीं क्योंकि मुझे भी जो फील हुआ था ना कि पहले जावास्क्रिप्ट के अंदर भी ना ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं कि ये आपका कौन सा एक होता है बहुत, जो मैं बहुत पूछता हूँ, कॉल बैक फंक्शन, सही है, प्योर फंक्शन, और उसके बाद और बहुत सारी चीज़ें हैं। पाइथन में कुछ भी नहीं है, आप सिंपल चार चीज़ें सीख लो कि एक तो उसकी ये डेटा टाइप्स, टपल, लिस्ट, फलाना ढिमकाना, दूसरा उसके पास उसके मेथड सीख लो, डेटा टाइप्स के डिफरेंट मेथड्स हैं। यार MIT वाले असल में वो CS कौन सा है, CS50, CS50 कोर्स है उनका, उसके अंदर वो लोग बेसिक प्रोग्रामिंग की ना टर्मिनोलॉजीज भी सिखाते हैं, तो वो एक डिग्री प्रोग्राम है, बैचलर्स डिग्री प्रोग्राम है, तो उसमें और जाहिर सी बात है आपको एक स्किल सीखने में बहुत फ़र्क है। तो आप अगर स्किल सीखना चाह रहे हो ना, तो पहले जस्ट उसकी आप वर्किंग सीख लो कि उसके साथ आप वर्क कैसे कर सकते हो। बाकी ये सारी चीज़ें हैं तो वो चीज़ें जो आप टेस्ट से पहले एक सीख लेते हो, कहीं पे इंटरव्यू है, कहीं पे कुछ है, तो आप उसका ये देख लो, लेकिन वो चैट नहीं। नहीं वैसे आपका अच्छी बात है अगर आप ये टर्मिनोलॉजी सीख रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, जैसे कि हमारे पास है इंटरप्रेटर, ये कंपाइलर जो बेसिकली नॉर्मल होता है, अच्छी बात है, जैसे प्योर फंक्शन है, कॉल बैक फंक्शन है, तो ये टर्मिनोलॉजीज पता होनी चाहिए, लेकिन फर्स्ट स्टेप है कि आपको लैंग्वेज तो आए। सही है, अब जो AI पे काम कर रहा है उससे ये कोई नहीं पूछेगा कि ये टर्मिनोलॉजीज तुम्हें आती है, यानी वो उससे पूछेंगे भाई ये मॉडल है ये बन जाएगा या नहीं। सही है, तो आपको पहले सिंपल जो उसका यूज़ केस है वो आना चाहिए। तो पाइथन का यूज़ है कि जो जेन ऑफ पाइथन है, जो उसका खुद का जो राइटर का, ये बेसिकली राइटर्स नोट है ये, और ये पाइथन का एक तरीका है जिससे ये खुद प्रिंट आउट हो जाता है, मतलब पाइथन का जो कंपाइलर है उसके अंदर ये लिखा हुआ है, तो ये जेन ऑफ पाइथन कहलाता है। क्या नहीं जेन कहलाता है, वो आइडियोलॉजी उसका वर्ड अंग्रेजी का लफ्ज है, तो जेन ऑफ पाइथन है कि इसकी आइडियोलॉजी क्या है, मैंने क्यों बनाई, तो वो बोलता है सिंपल इज़ बेटर देन कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लेक्स इज़ बेटर देन कॉम्प्लिकेटेड। अगर कोई चीज़ कॉम्प्लिकेटेड है तो उसको क्या करो, कॉम्प्लेक्स करो, यानी कि थोड़ा हल्का करो, और कॉम्प्लेक्स है तो उसको क्या करो, सिंपल करो। तो पाइथन में उसने बहुत सारी चीज़ों को हटाया हुआ है, जावास्क्रिप्ट में वो कर्ली ब्रेसेस ये वो, आप लूप सर्च कीजिएगा पाइथन का लूप बहुत ईजी है एज़ कम्पेयर टू आपके दूसरा जो जावास्क्रिप्ट के लूप है, उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें होती हैं। इफ़ स्टेटमेंट इसकी बहुत ईजी है पाइथन की, तो पाइथन मेनली जो पॉपुलर है वो है अपनी ईज ऑफ यूज़ के लिए। अब आपकी लिस्ट कॉम्प्रीहेंशन है कि एक लिस्ट बन जाती है डायरेक्टली, उसके अंदर लूप भी लग जाता है, फॉल्स कंडीशन भी लग जाती है एक लाइन में। सही, तो सिंपल उसको आप सीख लें, आपको एक घंटा लगेगा सीरियसली, क्योंकि आपने जावास्क्रिप्ट पढ़ी हुई है, ये वीडियो आप देख लें आपको पाइथन आ जाएगी। फिर उसके बाद आप पाइथन का यूज़ केस पे जाएं, ये वीडियो आपको सिर्फ बताएगी पाइथन, पाइथन काफ़ी नहीं है, पाइथन का यूज़ केस ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप पाइथन को आप यूज़ किसके लिए करना चाहते हैं। अब जैसे कि आप पाइथन आपने यहाँ पे पढ़ ली, उसके बाद आप कोई फ्लास्क का कोड देखें, फिर भी ये मॉश का ही देख लें तो ज़्यादा अच्छा है, ये भी बहुत अच्छा कोर्स है, कोड एक फ्री कोड कैंप वालों का। अब ये दोबारा से 40-45 मिनट में आपको क्या सिखा देंगे, फ्लास्क एक सिंपल फ्रेमवर्क है जिससे आप APIs बनाते हैं, जैसे आप Node.js पे काम करते हैं। तो आप क्या कर सकते हैं, अब आपने फ्लास्क आ गया, आपको पाइथन आ गई, तो अब आप इसकी API बना के किसके साथ यूज़ कर सकते हैं, React के साथ। यार किया जा सकता है लेकिन किया नहीं जाता, क्योंकि इसका फ्रंट एंड इतना कोई खास नहीं होता। अब इसका फ्रंट एंड के लिए यूज़ होता है PyQt,
अब पाई क्यूटी की जो चीज़ें हैं वो कुछ ऐसी दिख रही होती हैं, ऐसी सही है। तो पाई क्यूटी ज़्यादा ना कोई यूज़ नहीं होता, लेकिन हाँ इस पर अगर आप मेहनत करें तो बहुत अच्छा बन जाता है, लेकिन नॉर्मली ये फ्रंट एंड के लिए नहीं है, ये नॉर्मली बैक एंड के लिए। अच्छा आपको 11:30 हो गए, ज़्यादा टाइम हो गया। वैसे तो आज का जो काम था